बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, फूलों की तरह खिलते रहे, मुस्कुराते रहो। ज्वाइंट सिस्टम में है तो तमाम लोगों से मिलजुल कर घर में खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारे, अपने ताई चाचों के साथ मिलजुल कर। बहुत अच्छा टाइम पास होता है जब ज्वाइंट सिस्टम में तमाम लोग होते हैं, तो एक दूसरे से प्यार भी बहुत होता है कि मोहब्बत भी होती है। चाचा चाची से, चाचा के बच्चों से हमने ऐसे महसूस होता है सब हमारे बहन भाई हैं। मैं नहीं महसूस होता, ये हमारे चचा जात हैं। सबको मिलजुल के इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जैसे हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशहाली वाली ज़िंदगी अता फरमाए, तमाम परेशानियां दुख दर्द दूर कर कर कामयाबी अता फरमाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज आपके लिए बहुत प्यारे और खूबसूरत क्यूट से हैंड बैग लेकर आई हूँ, जो हर घर की ज़रूरत है, जिसमें जैन भी बहुत ज़्यादा शौक से इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लैक कलर का जैंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लेडीज़ के लिए बहुत बेस्ट है। लेडीज़ ज़्यादातर रेड कलर की शौकीन है, कहती हैं हमारा पर्स हो तो रेड कलर का हो, शाल हो तो रेड कलर की हो, हमारा ड्रेस हो तो रेड कलर का हो, हर एशियाई रेड कलर की पसंद करती हैं। हमने तो अपने इन बैगों की खसूसी तारीफ़ करनी है, क्योंकि ये बैग बहुत आला क्वालिटी के हैं। एक से एक आला क्वालिटी आपको नज़र आ रही होगी, आप भी हैरान होंगे कि बाजी इतने प्यारे क्यूट क्यूट से हैंड बैग किधर से लेकर आती हैं। ये तो मैं आइडिया के तौर पे आपके लिए चुन चुन कर लाती हूँ, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, चाइना, इन तमाम मुल्कों की ये तोहफे हैं जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। ये आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको आज की हमारी ये वॉइस कैसी लगी। गलती और भूल चूक की माफ़ी चाहती हूँ, अल्लाह ताला भी माफ़ करने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने माफ़ किया था, शैतान ने भी गलती की थी तो माफ़ी नहीं मांगी थी। हम सबको एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग कर दिल खुश हो जाता है। जब किसी का दिल दुखाते हैं तो हमारा दिल परेशान हो जाता है, हमारा दिल चाहता है हम माफ़ी मांग लें, हमने ये गलती की है। जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है वो अल्लाह का नेक बंदा होता है। हमेशा अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं, अपने अंदर बुराइयां देखते हैं। अगर किसी की बुराई नज़र आए तो अपने अंदर तलाश करें, अगर आपके अंदर कोई ऐसी बुराई है तो आप फौरन अपनी उस बुराई को एक दिन के अंदर अंदर कोशिश कर कर ख़त्म कर दें, कि आइंदा के लिए हम अपने अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं रखेंगे। कि ना गुफ्तगू, मिलना जुलना, ये सब हम अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे। अगर पसंद आए तो वॉइस भी और हमारे बैग भी, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों से शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बता देना आज के हमारे हैंड बैग कैसे लगे। ये हैंड बैग हर घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके अंदर तमाम ज़रूरी अशिया हम इसमें डाल कर अपने रूम में टांग सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग रूम में भी हम, बेडरूम में भी इसको टांग सकते हैं, हम अपने डाइनिंग हॉल में भी टांग सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे हैं, ताकि हमारा तमाम सामान इसी के अंदर हमें महफूज मिल जाए। इसमें हम शनाख्ती कार्ड, मोबाइल, एटीएम कार्ड, ये तमाम अशिया अपनी जो ख़ास ख़ास है इसमें रखते हैं। इसके अंदर एक बैग के अंदर हम मेकअप का तमाम सामान रख कर अपने हैंड बैग में रख लेते हैं, ताकि हमें कहीं पर जाकर मेकअप करना पड़ जाए तो हम मेकअप भी कर सकते हैं। अगर हमारा छोटा बेबी है तो उसका हम ड्रेस भी रख सकते हैं, उनका फीडर भी रख सकते हैं, मिल्क भी रख सकते हैं, उनकी तमाम ज़रूरी अशियाएँ रख सकते हैं, ताकि जाके अल्लाह